गाजीपुर में जीआरपी ने कामाख्या एक्सप्रेस से 626 कछुए बरामद किए हैं। इस दौरान जीआरपी ने कछुआ तस्करी करने वाली दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई महिलाएं सुल्तानपुर से कछुए लेकर असम के जलपाईगुड़ी जा रही थी। पुलिस ने बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया है, जबकि कछुआ तस्करी करने वाली महिलाओं के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के गांधीनगर से गुवाहाटी जा रही कामाख्या एक्सप्रेस में जनरल बोगी के कोच नंबर B2 में 25 बोरियों में रखे 626 कछुए तस्कर सुल्तानपुर के दो महिलाओं के साथ जलपाईगुड़ी भेजने के लिए रखे गए थे। यहाँ से कामाख्या एक्सप्रेस में स्कॉर्ट ड्यूटी जाती है। स्कॉर्ट ड्यूटी के आरक्षी विनोद यादव द्वारा मुझे फोन करके बताया गया कि सर उक्त ट्रेन के D2 बोगी के अंदर कुछ बोरियां गठरियां रखी हुई हैं जिनसे बदबू आ रही है। इस सूचना पर मैं अपने हमराह कर्मचारीगणों के साथ RPF को लेकर उस बोगी में पहुंचा तो देखा कि काफ़ी मात्रा में गठरियां रखी हुई हैं। उक्त गठरियों को मेरे द्वारा खोलकर देखने का प्रयास किया गया मेरे हमराह द्वारा और मेरे द्वारा, तो वहाँ बैठी दो महिलाओं द्वारा अपना उसे बताते हुए उसे खोलने का विरोध किया जाने लगा। उसी दरम्यान मेरे द्वारा जो है एक कोठरी को खोल ही दिया गया तो उसमें कछुए भरे पाए गए। इसके आधार पर महिला को महिला आरक्षी द्वारा आदेशित करते हुए दो महिलाएं हैं इन्हें ट्रेन से उतार लिया गया और इन्हीं 2500 जो सीट के नीचे रखी हुई बोरियां थीं इन्हें प्लेटफॉर्म पर उतार लिया गया। इसे खोलकर देखा गया तो इसके अंदर से 626 नग जो है कछुए बरामद हुए।